खबर रतलाम से है, जहां पर मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने भी सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कमल सिंह देवड़ा ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। वन कर्मचारी संघ ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर जिला शाखा रतलाम द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें 20 मांगे मुख्य रूप से हैं। इसमें एक वेतनमान की मुख्य मांगे हैं, इसमें हमारे के पुलिस के समान और राजस्व समान हमारा वेतनमान किया जाए। दूसरी मुख्य मांग ये है हमारी के ओपीएस की एनपीएस की जगह ओपीएस लागू किया जाए, क्योंकि 2005 के बाद में सभी कर्मचारी एनपीएस की सुविधा ले रहे हैं, उनको ओपीएस लागू किया जाए।